एक लड़की जो जापान में काम कर रही थी, वहां पर उसका एक बॉयफ्रेंड बनता है। प्रॉब्लम तब आता है जब अपने बॉयफ्रेंड को उसने अपने फ्रेंड से मिलवाया। फ्रेंड और बॉयफ्रेंड में कुछ करीबियां आने लग गई थी। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको द अर्थक्वेक बर्ड 2019 की एक मिस्ट्री हॉलीवुड मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एक बहुत ही अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट की हुई मूवी है, तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारी मेन कैरेक्टर लूसी को देखते हैं, जो जापान में एज ए ट्रांसलेटर काम करती थी। वो आज काम पर आई तो उसकी फ्रेंड कहती है कि पुलिस को एक लड़की की बॉडी मिली है। उन्हें लगता है कि बॉडी लिली की है। इस बात से लूसी जरा डिस्टर्ब हो गई थी। लूसी से बात करने के लिए पुलिस उसे पुलिस स्टेशन में लेकर जाते हैं। पुलिस ने कहा कि जिस रात लिली गायब हुई थी वो लास्ट टाइम तुमसे ही मिली थी। लिली ने कहा कि हम दोनों ने सिर्फ बात की थी। पुलिस कहते हैं तुम अम्ब्रेला लेकर उसके पीछे भी गई थी। लूसी ने कहा कि मैं उसके पीछे गई थी पर मैं उसे ढूंढ नहीं पाई। लूसी को डायरेक्टली उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछते हैं तो लूसी ने कहा कि अब मैं सिंगल हूँ। बॉयफ्रेंड की बात से हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब वो फर्स्ट टाइम उससे मिली थी। जब वो रास्ते से गुजर रही थी तो एक फोटोग्राफर विदाउट उसकी परमिशन उसकी फोटो ले लेता है। ये हमारा और एक मेन कैरेक्टर है और इसका नाम है तेजी। लूसी ने कहा कि इस तरीके से तुम विदाउट परमिशन फोटो लेते हो, क्या लोग इस पर गुस्सा नहीं होते? तेजी कहता है कि मैं कभी भी परमिशन नहीं लेता, वरना मेरी फोटो बिगड़ जाती है और वैसे भी मैं लोगों की फोटो नहीं लेता। वो हमेशा नेचर की फोटो लेता था पर लूसी उसे अच्छी लगी थी। इसके बाद तेजी जिस होटल पर काम करता है वहां पर ये दोनों डेट के लिए आते हैं। लूसी ऐसे ही अलग अलग टॉपिक पर बात करने की कोशिश कर रही थी। तेजी कहता है हमेशा लोग उनके मन में क्या होता है ये बात कभी भी नहीं बोलते, इधर उधर की बातें करते रहते हैं। मुझे लगता है कि हम दोनों एक दूसरे से ऑनेस्ट रह सकते हैं। लूसी को फर्स्ट टाइम देखते ही उसे फीलिंग आई थी। लूसी को भी ये बात सही लगती है। तेजी ने कहा कि अब तुम्हारे माइंड में चल क्या रहा है? लूसी कहती कि शुभ इतना अच्छा नहीं है, मुझे इस डेट पर तुम्हारे साथ नहीं आना चाहिए था, पर फिर भी मुझे तुम बहुत ही अच्छे लगे हो, इसी वजह से उसके साथ आई हुई थी। ये बात तेजी को भी बहुत अच्छी लगी। तेजी कहता है कि मुझे तुम्हारी फोटोज निकालनी है। इसके बाद उसे घर पर लेकर आया। लूसी उसकी सारी फोटोज देखती है जो बहुत ही अमेजिंग थी। तेजी लूसी को कोई भी पोज करने के लिए नहीं कहता, वो जैसी है वैसे बहुत ही अमेजिंग से फोटोज निकालता है। अचानक से अर्थक्वेक आ गया था तो दोनों कवर में जाकर छुप जाते हैं। जापान में वैसे भी बहुत सारे अर्थक्वेक आते रहते हैं। इस अर्थक्वेक के बाद एक सिटी सुनाई दे रही थी। तेजी कहता है कि उसी का आवाज है, इसीलिए इस मूवी का नाम अर्थक्वेक बर्ड है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लूसी वायलिन का क्लास भी करती थी तो वहां पर उसके फ्रेंड्स थे। आज उसका बर्थडे था तो उसके फ्रेंड्स ने उसे गिफ्ट दिया। रात में लूसी अपने एक अमेरिकन फ्रेंड से मिली। उसका फ्रेंड कहता है कि एक लड़की से मैं तुम्हें मिलवाना चाहता हूँ। वो चाहता था कि लूसी उसे घर ढूंढने में हेल्प करे। उस लड़की का नाम था लिली। ये बात लूसी को ज्यादा अच्छी नहीं लगती क्योंकि अगर वो इस तरीके से हर एक का ख्याल रखने लग गए तो उसकी लाइफ ही नहीं रहेगी। लूसी जब लिली से मिली तो बहुत ही फ्रेंडली थी। उसे कहती है मुझे लैंग्वेज नहीं आती तो इस वजह से घर ढूंढना बहुत ही हार्ड है। वो हर एक से घुल मिल जाती थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि तेजी ने लूसी की फोटोज को डेवलप किया जो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी। एक दिन लूसी ने अपने फ्रेंड को तेजी के बारे में बताया। फ्रेंड पूछती है क्या तुम दोनों इंटीमेट हुए? लूसी कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तेजी ने उस टाइप से लूसी पर अब तक मूव नहीं किया। एक रात जब वो लूसी की फोटो निकाल रहा था तो अपने कपड़े वो निकालने लग जाती है। तेजी ने कहा कि मैंने तुम्हें ये सब करने के लिए नहीं कहा। लूसी तेजी को समझ नहीं पाती। नेक्स्ट सीन में लूसी अपनी फ्रेंड कातो के साथ थी। कातो उसकी टीचर भी थी। उसे एक जापानीज ड्रेस गिफ्ट करती है। लूसी इसमें बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी। लूसी ने कातो से पूछा कि आपकी एज इतनी होगी पर आपने शादी क्यों नहीं की? कातो कहती है मैं बहुत ही ज्यादा एजुकेटेड हूँ, इस वजह से जापानीज आदमियों को मैं अच्छी नहीं लगती, वैसे भी मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। उसने अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से डेवलप कर लिया था। ये जब बात कर रही थी तभी उनके नीचे से एक फ्रेंड आई जिसका नाम था यामामोतो। लूसी उसे हाय करने के लिए जाती है। यामामोतो सरप्राइज्ड हो गए और स्टेज से नीचे गिर गए। चोट आने की वजह से इंस्टेंटली उसकी डेथ हो जाती है। इस बात से लूसी बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। रात में जब वो तेजी से मिली तो ये सब उसे बता देती है। लूसी ने कहा कि मैं कहीं भी जाऊँ हमेशा डेथ मेरे साथ ही होती है। तेजी ने फिर कुछ फोटोग्राफ्स लूसी को दिखाए। जब उसकी एंड की डेथ हुई थी तभी उसने फोटोग्राफ्स ली हुई थी। वो कहता है मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ, मैं भी हमेशा डेथ के पास ही रहा हूँ। इसके बाद वो उसे किस कर लेता है और ये दोनों इंटीमेट हो गए। ये सब कुछ स्टोरी लूसी पुलिस को बता रही थी। फिर से फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि लूसी ने लिली को घर दिखाया। लिली को घर तुरंत पसंद आया और रेंट पर वो ले लेती है। इसके बाद दोनों रेस्टोरेंट पर गए। लिली को यहाँ पर कॉफी ऑर्डर करना भी नहीं आता था
तो लूसी ने उसे सिखा दिया। ये दोनों फ्रेंड्स बनने लग गई थी। एक रात जब लूसी और तेजी साथ में थे, तेजी फोटोग्राफ्स को डेवलप कर रहा था, उसके बाद वो एक जगह पर उसे लॉक करके रख देता है। लूसी ने कहा कि तुमने जो भी लॉक करके रखा है क्या कभी तुम मुझे दिखाओगे? तेजी कहता है कि उसका एक टाइम आएगा तब मैं तुम्हें सब कुछ दिखा दूंगा। नेक्स्ट दिन में लूसी अपने अमेरिकन फ्रेंड्स के साथ हाइकिंग के लिए गई हुई थी। वहां पर वो तेजी के बारे में बात करती है। वो कहती कि हम दोनों बहुत ही अलग अलग है, पर एक साथ जब वो होते हैं तो अच्छी तरीके से एंजॉय करते हैं। वापस आते आते लूसी का पैर फिसल गया, उसे चोट आ गई थी तो लिली उसे हेल्प कर दिया। लूसी ने कहा कि तुम्हें इसके बारे में क्या पता है? लिली ने कहा कि मैं हमेशा जॉबलेस नहीं थी, वो अमेरिका में नर्स का काम करती थी। लूसी तेजू को लेकर और भी बातें करती है तो लिली ने कहा कि क्या मैं उससे मिल सकती हूँ? लूसी इसके लिए हाँ कहती है। एक रात जब लूसी और तेजी साथ थे तो लूसी ने कहा तुम इतने अमेजिंग फोटोज लेते हो, तुम इन्हें सेल क्यों नहीं करते? तेजी इसके लिए मना कर देता है, पर लूसी इसके लिए फोर्स कर रही थी। तेजी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया, उसने कहा कि अब मुझे काम पर जाना है। लूसी तेजी को काम पर छोड़ तो देती है, पर अब वो क्यूरियस थी कि तेजी उसे छुपा क्या रहा है। वो डायरेक्टली तेजी के घर पर आके उसके कबर्स में उसकी सारी फाइल्स वगैरह देखती है। इसमें एक लड़की के नाम की फाइल थी जिसमें उसकी सारी फोटोज थी। इससे वो जरा डिस्टर्ब हो गए, तभी तेजी वहां पर पहुंच जाता है। लूसी ने कहा कि लड़की कौन है? तेजी ने कहा कि मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है। लूसी ने पूछा कि क्या हुआ था? तेजी कहता है कि एक दिन वो मुझे छोड़कर चली गई और फिर वापस ही नहीं आई। जब मैं तुमसे मिला तो उसके बारे में मैंने सोचना छोड़ दिया था। लूसी तेजी को सॉरी कहती है। कुछ दिन बाद लूसी लिली को लेकर तेजी से मिलने के लिए आई। तेजी पूछता है क्या हम सब कहीं पर जा सकते हैं? लिली इसके लिए एक्साइटेड होके और ये अलग अलग प्लेसेस घूमते हैं। लिली ने लूसी से कहा कि तेजी कितना हैंडसम है, वो बाकी जापानीज लड़कों की तरह लगता ही नहीं। वो घर आने के बाद कहती है कि तेजी तुमसे ऑब्सेस्ड है, वो तुम्हें बहुत लाइक करता है। ये बात लूसी को बहुत अच्छी लगी। लिली ने कहा कि मैं कार्ड्स वगैरह देखकर लोगों का फ्यूचर भी प्रिडिक्ट कर सकती हूँ, उनका पाल्म रीड कर भी उसे फ्यूचर पता चलता था। लूसी का हाथ देखकर वो कहती है मुझे इसमें एक्सीडेंट, डेथ, इस टाइप के इवेंट्स ही दिख रहे हैं। अचानक से वो कुछ अलग दिखती है और उसके एक्सप्रेशन चेंज हो गए थे। लूसी कहती कि तुमने ऐसा क्या देखा, पर लिली उसे बताती नहीं। रात में अचानक से अर्थक्वेक आ गया था, लिली डर गई थी तो लूसी उसे सहारा देती है। अगली सुबह उठने पर लिली ने कहा कि कल रात मुझे बहुत ही अच्छे से नींद आई। लूसी ने कहा कि अर्थक्वेक की वजह से जरा डिस्टर्ब हुआ था। लिली इसके बारे में पूरी तरीके से भूल गई थी। जब अर्थक्वेक हुआ था तब वो सोई हुई नहीं थी, पर फिर भी इसके बारे में भूल चुकी थी। ये बात लूसी को जरा अजीब लगी। लूसी एक दिन तेजी से पूछती है क्या हम क्लब में जा सकते हैं, वहां पर मेरे फ्रेंड्स भी होंगे। तेजी भी इस बात के लिए मान गया। तेजी ड्रिंक्स लेने के लिए गया था तो लूसी अपने एक फ्रेंड से बात कर दिया। फ्रेंड की बात से लूसी को पता चला कि लूसी और वो डेट कर रहे हैं, और उसका फ्रेंड कहता है कि लिली बहुत ही अजीब है, कभी कभी हम दोनों के बीच में बहुत सारी चीजें हो जाती है पर लिली इसके बारे में हमेशा भूल जाती है, ऐसा प्रिटेंड करती है कि कुछ हुआ ही नहीं। पार्टी में हम देख सकते हैं कि लिली और तेजी एक दूसरे के साथ डांस कर रहे थे। इन दोनों का करीब आना लूसी को अच्छा नहीं लगता। इसके बारे में उसने तेजी को कन्फर्ट किया तो तेजी कहता है कि लिली एक बहुत ही अच्छी डांसर है, तो उसके साथ में सिर्फ डांस कर रहा था, इसमें गलत क्या है? घर आते वक्त लूसी ने तेजी को उसके पास रिलेशनशिप के बारे में पूछा। तेजी की प्रीवियसली सिर्फ एक ही गर्लफ्रेंड थी। तेजी पूछता है कि तुम्हारा फर्स्ट टाइम कब था? लूसी कहती कि मैं 14 ईयर्स की थी, मैं मेरे फ्रेंड के घर पर गई हुई थी तो उसके फादर ने मुझे एक ड्रिंक दिया। फ्रेंड जरा बाहर गई थी तो फ्रेंड के फादर ने लूसी का फायदा उठाया। तेजी को सुनकर बहुत ही बुरा लगता है। लूसी कहती कि उसके बाद में प्रेग्नेंट हो गई थी। ये बात मैंने जब फ्रेंड के फादर को बताया तो उन्होंने सुसाइड कर ली। बाद में लूसी को पता चला था कि वो एक्चुअल में प्रेग्नेंट नहीं थी। ये सब सुनकर तेजी उसे सहारा देता है। लूसी को इसी वजह से लगता है कि जहां पर भी हो जाती है वहां पर डेथ और एक्सीडेंट उसे फॉलो करते हैं। यामामोतो की डेथ के लिए वो अपने आप को ही जिम्मेदार मानती है। एक वीकेंड के लिए लिली ने तेजी और लूसी को पूछा था तो इस पर वो चले जाते हैं। वैसे तो तेजी हमेशा बिजी रहता था पर यहाँ पर आने के लिए रेडी था। डिनर पर ये सब लोग जब बात कर रहे थे तो लिली कहती है कि जब मैं नर्स थी तो लोगों को सेव करना यही मेरा मिशन था। इसमें लोगों की डेथ भी होती थी पर फिर भी वो सबको हेल्प करना चाहती थी। लूसी और लिली में यही डिफरेंस था। लिली हमेशा हर एक चीज को पॉजिटिव लेती थी और लूसी हमेशा खुद को ब्लेम करती थी। रात में लूसी को सपना आया कि तीनों मिलकर इंटीमेट हो रहे हैं। इस बात से वो डिस्टर्ब हो गई थी। उसे लग रहा था कि तेजी और लिली एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। आज ये सब मिलकर ट्रैकिंग के लिए जाते हैं। अचानक से लूसी की तबीयत जरा खराब होने लग गई थी। वो एक जगह पर रेस्ट लेने के लिए रुकी और वहीं पर सो जाती है। जब वो उठी तो उसके पास तेजी और लिली नहीं थे। वो इस बात से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई।
जल्दी से नीचे उतर कर टाउन में आ जाती है। उसने इन दोनों को एक केव में देखा। उन्हें कन्फर्ट करती है, कहती है तुम दोनों मुझे ऐसे ही छोड़कर आ गए थे, तुम्हारे बीच चल क्या रहा है। लिली ने कहा कि तुम्हारे शर्ट में हमने एक नोट डाला था। लूसी को बुरा लगता है और यहाँ से वो भागने लग गई। तेजी उसके पीछे पीछे गया। तेजी उसे गले लगाता है, कहता है कि सब कुछ ठीक है, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। जब इनकी ट्रिप खत्म हुई तो स्टेशन पर तेजी ने लूसी को छोड़ दिया। उसकी एक चीज वापस रह गई थी, तो फिर से आकर जब देखती है तो लिली और तेजी वहां पर फिर से मिले थे। आज तेजी लिली की फोटो ले रहा था। इससे कन्फर्म हो गया कि उन दोनों में अफेयर चल रहा है। ये सब जब लूसी पुलिस को बता रही थी तो कहती है कि मैं ही गिल्टी हूँ। फिर उसने आगे स्टोरी बताना कंटिन्यू किया। लूसी का हार्ट ब्रेक हो गया था, इसके बाद उसे इस सिटी में नहीं रहना था। वो फिर से तेजी को देखने के लिए गई, पर वहां पर भी लिली बैठी हुई थी। एक दिन लिली लूसी को सॉरी कहने के लिए गई, पर लूसी उसे माफ नहीं करती। लिली के जाने के बाद लूसी ने उसका पीछा किया। इसी के बारे में फर्स्ट टाइम पुलिस उसे पूछ रहे थे। अब लूसी ने खुद कहा था कि वो गिल्टी है, तो इस वजह से उसे वो अरेस्ट कर लेते हैं। अगले दिन पुलिस को पता चला कि जो बॉडी उन्हें मिली है ये लिली की नहीं थी। अब फिर से पुलिस लूसी को पूछते हैं तुमने जो स्टेटमेंट दिया ये गलत दिया, एक्चुअल में हुआ क्या था। लूसी कहती कि मैं चाहती थी कि लिली मर जाए और इसी वजह से उसने अपने आप को गिल्टी बताया था। वो कन्फेस करती कि जब वो छोटी थी तो उसके ब्रदर और फ्रेंड्स मिलकर उसे पत्थर मार रहे थे। इस बात से लूसी गुस्सा हो गई और अपने ब्रदर को उसने पुश कर दिया। पुश करने की वजह से उसके ब्रदर को चोट आई, उसकी डेथ हो गई। सब लोगों ने लूसी को समझाया कि सिर्फ एक एक्सीडेंट था, पर लूसी को जिस तरीके से उसके पेरेंट्स देखते थे तो उसे लगता था कि हमेशा वो उसे ही ब्लेम करते हैं। ये बात हमेशा उसे खाई जाती थी और इसी वजह से घर छोड़कर वो जापान में आ गई थी। पुलिस ऑफिसर उसे समझाते हैं कि तुम सिर्फ गिल्ट में हो, पर ये बात तुम्हें मर्डरर नहीं बनाती। इसके बाद उन्होंने लूसी को छोड़ दिया। कुछ दिनों से तेजी भी गायब था, तो पुलिस को लगता है कि शायद तेजी और लिली दोनों भाग गए होंगे। लूसी फिर डायरेक्टली तेजी के घर पर आ जाती है। वहां पर उसने फोटोज की फाइल्स देखी। इस फाइल में उसका भी नाम था। उसने अलग अलग अपनी फोटोज देखी। उसके बाद लिली की फोटो स्टार्ट हो गई थी। इन फोटोज की लास्ट में लिली की डेड बॉडी की फोटो थी। ये फोटो तेजी के घर में ही ली गई थी। इसका मतलब है तेजी ने लिली को मार डाला। जैसे कि हमें पता है कि लिली इंपॉर्टेंट इवेंट के बारे में भूल जाती थी, शायद इसी वजह से तेजी गुस्सा हो गया और उसने उसे मार डाला। ये फोटो लेकर लूसी पुलिस स्टेशन में गई, पर आज रात वहां पर डिटेक्टिव नहीं थे। इसके बाद वो घर पर आ जाती है, पर वहां पर उसे तेजी दिखा। तेजी पूछता है कि तुमने उन्हें क्या बताया। लूसी कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं बताया। तेजी कहता है कि जल्दी से हम यहाँ से चले जाते हैं, एक जगह पर नई लाइफ क्रिएट करेंगे, फिर से सब कुछ एकदम सही हो जाएगा। उसे सॉरी कहता है, पर लूसी ने उसके साथ आने के लिए उसे मना कर दिया। इस बात से वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया, लूसी को मारने लग गया। लूसी को मारते मारते एक कांच भी टूट गया था। लूसी यही कांच लेकर डायरेक्टली उसके हेड में डाल देती है। इससे उसकी वहीं पर डेथ हो गई। अब लूसी को फिर से और एक डेथ ने फॉलो किया था। एक दिन वो अपने फ्रेंड कातो से मिलने के लिए आए। उसे बताती है हमेशा डेथ मुझे फॉलो ही करती रहती है। यामा मातो की डेथ के लिए वो खुद को जिम्मेदार मानती है। कातो ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। जिस स्टेयर से यामा मातो की नीचे गिरकर डेथ हुई उसे मैंने वैक्स किया था। ये वैक्सीन का काम मैं 2 साल में एक ही बार करती हूँ। यामा मातो को इसके बारे में मैं वार्न करने वाली थी, पर मैं भूल गई थी। तो क्या इसका मतलब ये है कि मेरी वजह से उसकी डेथ हुई। इन सब चीज़ों के लिए हम खुद को जिम्मेदार नहीं मान सकते, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता। ये बात सुनने के बाद लूसी को रोना आ गया। फाइनली अपने आप को उसने माफ किया था। इसी लूसी के ट्रांसफॉर्मेशन के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।